जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि नवरात्र चल रहा है और आज नवमी का दिन है, इसी में आज हम डॉक्टर संगीता कुमार जी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनपे हम के साथ हम बात करेंगे कि कैसे नव दुर्गाओं का क्या महत्व है और नवरात्र में कैसे क्या रेजोल्यूशंस लेके किस तरह से हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने मन को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर संगीता कुमार जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। और इस ऑस्पिशियस टाइम में जो कि अभी नौ दुर्गे का टाइम चल रहा है, और आपने उस शक्ति की बात की, उस रिजोल्यूशन की बात की, कुछ उस बिलीफ सिस्टम की बात की, तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल सकती, लेकिन जो चीज मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है, तो दैट आई कैन एक्सप्रेस एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। सो अगर हम नौ दुर्गे की बात करें तो 9 days हमारा फास्ट का होता है। कुछ लोग फास्ट रखते हैं, कुछ लोग एक लॉन्ग पे रखते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स पे रखते हैं, कुछ लोग जूस पे, लिक्विड पे रखते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाना खा कर रखते हैं। दैट इज ऑल डिफरेंट वेज, क्योंकि माँ जो है वो कहती नहीं है कि आप ये करो, बट दिस इज वॉट योर ओन रेजोल्यूशन कि हम इस 9 days में हम ये करने वाले हैं। सो द थिंग इज दैट कि अगर हम इस चीज की बात करें कि हमने ये काम शुरू किया, पर वो शक्ति कहाँ से आती है, तो आज मैं एक चीज के बारे में बताना चाहूंगी, दैट इज एम्पावर ओन सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट वुमेन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड नाउ, बट हाउ वन कैन एम्पावर ओन सेल्फ। जैसे कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे राक्षसों के मारे जाने की बात की गई है, जिसमें दुर्गा जो है वो तो वध करती है। सो ये राक्षस है क्या? किसी भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, तो ये राक्षस अपने अंदर ही है। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते ग्रीड के फॉर्म में, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते दैट वी आर वेरी इनसिक्योर, या फिर हम अपनी वीकनेस, या हम किसी के बारे में क्रिटिसिज्म करने की आदत बना लेते हैं, हम उस चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने ही अंदर इन सारी चीजों को हटाकर, मतलब वध कर दो, हटाकर आप कैसे एक अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझ पाते हैं? दिस इज ऑल अबाउट दिस श्रद्धा, दिस शक्ति, दिस बिलीफ फॉर 9 days। और इस 9 days में इतनी अच्छी आदत पड़ जाती है कि आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके साथ बहुत सारी कहानियां हैं, मैं उस कहानियों पे नहीं जाऊंगी, बट हाँ, ऑन दी अदर साइड आपने देखा होगा लोग गरबा करते हैं, डांडिया करते हैं। दिस इज वॉट द एक्सप्रेशन ऑफ लव टुवर्ड्स द पावर। और शक्ति तो शक्ति ही है, शक्ति के आगे तो कुछ नहीं। इवन तो मैं आपसे बोल रही हूँ तो एक शक्ति है, तभी मैं उस ऊर्जा के कारण आपसे बात कर पा रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी एग्जिस्ट करती है, बट हाउ वी आर टेकिंग दिस एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे, दिस इज अप टू अस। ट्रू, रियली ट्रू। यहाँ पे मैम आपने एक बात बोली जो अंदर की डेविल की, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हम दुनिया सुधारने निकलते हैं, जो आजकल लोगों को हमने देखा है कि दुनिया सुधारने निकल पड़ेंगे, बट वो ये नहीं सोचेंगे कि अपने अंदर क्या कमियां हैं। कमियां सब में है, हम में है, आप में है, हर किसी में, बट हम अपनी कमियों पे ना फोकस करते हैं, और अगर कोई बताता है तो उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसको अलग गुस्सा होके एकदम भाई तू से तो बात ही नहीं करी। तो ऐसे टाइम पे जो नव दुर्गाएं आती हैं 2 बार साल में, तो इस टाइम पे चांस करना, हवन करना, ये सब बहुत प्रीशियस माना जाता है। दुर्गा सप्तशती जैसा कि आपने बताया, वो मैं भी पढ़ता हूँ, उसमें भी बहुत सही कहानी है। बट एक चीज जो अभी तक इतनी बार हम लोग कहते हैं, लोग नहीं समझते, वो है अंदर की चीज, कमी के अंदर जो हमारे अंदर राक्षस बैठा है, उस पे कैसे काबू किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा मैम आप आज हमें बताएं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की कमियों को नहीं जानेंगे, तब तक हम दूर कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी कमियों को जानें। वेरी सिंपल थिंग कि आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। आई कैन नॉट ब्रिंग चेंज इन यू आदित्य जी, बट आई कैन ब्रिंग चेंज इन मी। तो हम कहते हैं ना कि नजर मत बदलो, नजरिया बदलो।
है कि मतलब आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लुकिंग एट द थिंग इज इम्पॉर्टेंट रादर देन यू आर वॉचिंग इट. सो दिस इज व्हाट द थिंग, अगर हम इसी देखने इसी नजरिए की अगर हम बात कर रहे हैं तो जस्ट यू लुक इनसाइड कि अपने अंदर क्या है. तो फर्स्ट यू थिंक कि हम हमारी बातों से किसी को चोट पहुंच रही है, नंबर वन. क्या हम किसी को कुछ मजाक बना रहे हैं, नंबर टू. क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई एम वेरी इनसिक्योर, फाइनेंशियल इनसिक्योर. तो जो भी चीज आप अपने आप में पहचान रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट द आइडेंटिफिकेशन, एंड ऑन द अदर साइड दैट योर एक्शन. जब जैसे कि जब दुर्गा सप्तशती में भी आपने ये पाठ पढ़ा होगा या हम लोगों ने पढ़ा होगा कि दुर्गा जो शक्ति है वो तो है ही, एग्जिस्ट कर रही है. जब तक वो राक्षस उसके सामने नहीं आए तब तक देवी ने अपनी शक्ति के जो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उसका यूज नहीं किया. वो शांत से बैठी थी, लेकिन जैसे उसने समझा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्शन लिया. सो दिस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस राक्षस की कौन से अस्त्र आ रहे हैं, शस्त्र आ रहे हैं, और उसको मुझे कैसे काट गिराना है. उसी तरह से हमारे अंदर जो चीज है हमें हमें पता चल रही है, लेकिन उस चीज को हमें किस एक्शन के थ्रू काटना है, दैट इज व्हाट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हमें पता है कि मुझे कहीं ना कहीं आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल टर्म. ये सच्चाई है मेरे इसमें कि अगर आप मुझे 10,000 सौ सौ की नोट दे रहे हैं तो मैं पूरे दिन काउंट करके निकाल दूंगी. ये फैक्ट है. फाइनेंशियल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. पैसे आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बट वो मॉनिटरिंग इज नॉट देयर. तो मैंने इस चीज को अपने अंदर समझा, एंड आई टेल यू द फैक्ट, आई हैव अटेंडेड द वर्कशॉप्स रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक सेशन लिया, एंड आई अटेंडेड, एंड नाउ आई हैव द क्लैरिटी कि अपने अकाउंट को अपने चीजों को कैसे करना है. तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को समझा, बट उस समझ कर हमने साथ में छोड़ दिया. तो वो राक्षस तो अंदर है ही, वो कमियां तो है ही अंदर. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैंने उसकी तरफ एक्शन लिया, दैट मीन्स आई ओवरकम. तो यही चीज हमें करना है कि अपनी कमियों को जाने, और सबसे बड़ा टूल तो आप खुद ही है. हर कोई अपनी कमियों को जानता है. तो जैसे आप समझ जाते हैं अपनी कमियों को, बस एक्शन ले. और एक्शन की तो आज भरमार पड़ी हुई है अपने टेक्नोलॉजिकल एरा में. बस ओपन योर माइंड पोर, ओपन योर सेंसेस एंड गो फॉरवर्ड. रियली ट्रू मैम, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में और आया जब आपने बात की। जैसे आपने एक सेमिनार लिया, आपने उसको अप्लाई किया। मोस्टली यस मैंने देखा है लोग सेमिनार्स करते हैं, नॉलेज के वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बट 100 में से अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद 10% लोग होंगे जो उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन 100% लोग शुरू करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो शायद रेशियो बचता है वो शायद 10 या 10% से भी लेस बचता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? एब्सोल्युटली ट्रू. जैसे आज की डेट में अगर मैंने 100 लोगों 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसमें से 10 की ही अच्छी जॉब लगती, बाकी की नहीं लगती है. ओनली वन रीजन, दैट इज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर वाई. वाई मीन्स देयर पर्पस. अगर मुझे पता हो जाए कि आई एम अर्निंग दिस मच, पर वो मेरे पैसे खर्च कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट आई नो वाई, then definitely I will take an action. Yes, this is what my earning, my hardcore money, और इसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाना, इसे एक अच्छे रिक्रिएशन में लगाना, इसे एक अच्छे लर्निंग में लगाना है, that I'm well aware of. Then only I can put my effort, time and energy. तो बहुत सारे लोगों को उनके लाइफ का पर्पस, उनकी करियर का पर्पस पता ही नहीं होता है. और दिस इज व्हाट द थिंग, बिग क्वेश्चन मार्क, जो कि वो 100% नहीं कर पाते. दिस इज द रीजन. ट्रू, दैट्स रियली ट्रू कि एक वाई जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश का एक शब्द है, या हिंदी में क्यों पूछे, तो दोनों में ही इसका जवाब जिसने ढूंढा उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैम यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में और आया। अब बात हम नारी शक्ति की करते हैं, तो आज लेडीज बहुत जगह पे टॉप पे है, बट एक फ्रेज होता है जो आपने अपने इंटरव्यू में भी बोला था, मुझे याद है, कि शादी के बाद एक लाइफ चेंज होती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश में हम लग जाते हैं।
परवरिश होके जब बच्चे अपने अपने लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, तब एक पॉइंट होता है जहां से आपने भी चेंज हुई थी एक टीचर को देख के कि हाँ वो कर रही है तो मैं क्यों नहीं। सो ऐसे पॉइंट पे बहुत सारी जो लेडीज होती हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाती, या उनको सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार सपोर्ट भी मिलता है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो क्या इसका कोई सलूशन है? बिकॉज आप भी उस चीज से निकली हो, तो आपने कैसे उस चीज को किया? और ऐसे लोगों के लिए बेसिकली जो करना चाहते हैं, जिनमें स्किल्स होती हैं, उनके लिए क्या चीज है जिससे आप उनको सपोर्ट दे सकते हो? थोड़ा इस बारे में बताएं मैम। There is a will, there is a way. जहां चाह वहां रहा, लेकिन पहले अंदर अपने अंदर वो ऊर्जा तो लाओ, वो शक्ति तो लाओ, वो बिलीव तो लाओ कि मुझे कुछ करना है. जहां ये क्वेश्चन आया कि मुझे कुछ करना है, आप वहां दिस इज व्हाट योर स्टेपिंग स्टोन, आप वहां से लैडर चढ़ना शुरू कर देते हैं. अभी जस्ट 4 or 5 days बिफोर, मेरे ही कॉलीग है हमारे डिपार्टमेंट में, वन लेडी केम टू मी कि मैम मैंने अभी तक ये किए, बच्चे हो गए, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ करना है. मैंने कहा वाह, मतलब आपकी अंदर की आत्मा जागे, मुझे कुछ करना है. तो जहां ये चीज आ गई कि मुझे कुछ करना है, नोबडी कैन स्टॉप, अगर फीमेल की हम बात कर रहे हैं, वहां से जर्नी शुरू होती है. लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन आता है क्या करना है, कुछ मिस व्हाट, सो बी स्पेसिफिक इंस्टीड ऑफ बीइंग जनरल. तो जहां हम कुछ बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे हम मुझे ना कुछ ना कुछ बिजनेस करना, अरे बिजनेस करना, पर क्या ये कुछ होता है, क्या है स्पेसिफाई. तो जहां आप स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपका रास्ता उतना आसान हो जाता है. जैसे मेरे लाइफ में भी, मेरी जिंदगी में भी, पास्ट जिंदगी में अगर हम देखें, तो आई वाज आल्सो नॉट अवेयर कि मुझे करना क्या है, बट द थिंग्स वेंट ऑन एंड देन आई आइडेंटिफाइड माय ट्रू सेल्फ. यस, दिस इज व्हाट माय पैशन ऑफ टीचिंग, एंड आई स्टार्टेड इन टीचिंग जॉब, एंड देन आई केम विद एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. सो माय पैशन वाज एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. सो सिमिलरली वन शुड आइडेंटिफाई कि हमें करना है, कुछ करना है, पर ये कुछ का आंसर बी स्पेसिफिक, क्या करना है, इसकी क्लैरिटी आप लाए, और बस वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है. सो आई होप दैट कैन रिलेट विथ योर आंसर क्वेश्चन. यस मैम, डस रियली रिलेट। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ ज्यादा। बट यहाँ पे एक चीज होती है, आदमी स्टार्ट करता है, बेसिकली मैंने देखा है, इस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेशल फीमेल और मेल, लोग स्टार्ट करते हैं, जर्नी करते हैं, स्टोन्स आते हैं, बढ़ते हैं, छोटे छोटे से तो दे क्रॉस, कुछ लोग छोटे में रुक जाते हैं, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, बट जो कई चुनौतियों को पार करके एक लेवल तक जाते हैं, बट उसके बाद वहां पे वो स्ट्रक हो जाते हैं। मैंने देखा है, दे हैव अ स्ट्रैटेजी, दे हैव एवरीथिंग, बट दे आर स्ट्रक। सो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? सॉरी, टेक अ पॉज, ओके जरूरी नहीं कि अभी तक हम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, हम बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. कोई भी बिजनेस में, कोई भी प्रोफेशनल ग्रोथ में अगर आप देखें, ग्राफ की बात अगर करते हैं, तो इट गोज अप स्टैगनेंट एंड सम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट गोज डाउन. सो सिमिलरली अगर आप इस स्टक की यू आर फीलिंग लाइक यू आर स्टक, तो ये सबकी लाइफ का एक फेज होता है और वी कैन नॉट इग्नोर. ठीक है, डेस्टिनी मैटर करती है, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट वंस यू फील दैट यू आर स्टक, टेक अ पॉज, लेट द थिंग्स गो, टेक लिटिल टाइम, एनालाइज, एंड यू राइट योर जर्नल, यू विल हैव इमेंस क्लैरिटी. यू विल हैव इमेंस क्लैरिटी. ओके, दिस इज थिंग हैपनिंग, ओके आज नहीं हो रहा है, आप पॉज लीजिए, 10 दिन का लीजिए, 15 दिन का पॉज लीजिए, एंड देन यू फिगर आउट दैट व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, दिस दिस दिस, इट इज लाइक R&D ऑफ योरसेल्फ. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ग्रोथ क्यों जाती है डाउन, उसका R&D होता है और वो उसको अपलिफ्ट करती है उस बिजनेस को. लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में अगर हम स्टक होते हैं किसी छोटे से बिजनेस को, किसी भी चीज को लेकर, तो जस्ट टेक अ पॉज, हैव योर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर योरसेल्फ, हैव योर ओन जर्नल, एंड यू सी, यू विल फाइंड योर वे, नोबडी विल गाइड यू,
बट यू योर सेल्फ विल फाइंड द राइट वे. दिस इज थिंक यू. ट्रू, रियली ट्रू मैम. एंड आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की. बेसिकली जो लेडीज हैं उनको मेरा कहना है कि आप कभी ये मत सोचो कि यहाँ पे आगे, इसके आगे मैं नहीं जा सकती. मेंस के लिए भी सेम है कि ये मत सोचो इसके आगे नहीं जा सकते. जैसा कि मैम ने कहा, इफ यू आर स्ट्रक टेक अ पॉज, राइट डाउन एवरीथिंग, फिगर इट आउट वेयर यू आर लैकिंग, वेयर यू आर मिस्टेकिंग. कहीं कहीं पे आप लैक हो सकते हो, आपका लेवल अप होने के लिए आपको स्किल चाहिए हो सकती है, या हो सकता है आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, उसको एनालिसिस करो और उसको सही करके आप बढ़ो. डेफिनेटली यू गेट द ग्रोथ. प्लीज. जैसे कि अगर हम पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे की हमने बुक खोली और हमने पढ़ना शुरू किया, 1 घंटे पढ़ेंगे आपको थोड़ा सा माइंड थक जाएगा, फिर आप सोचेंगे 1 घंटे का बहुत ज्यादा जाएगा. टेक अ पॉज, आप ब्रेक बीच बीच में लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो. और थोड़ा सा अगर ब्रेक लेते हैं और फिर आप पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है. तो इट इज लाइक योर ब्रेक फ्रॉम योर वर्क फॉर अ शॉर्ट वाइल, और ये एक बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट देती है. तो इट इज नॉट लाइक ओनली वुमेन और मेन, इट इज फॉर एवरी वन. बिकॉज हम शक्ति की बात करें तो शक्ति इज नॉट जेंडर बायस्ड, दिस इज विथ एवरी वन. सो True. एम्पावर योर सेल्फ, एम्पावर नॉट वुमेन एम्पावरमेंट. क्योंकि अगर हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को एक्सेप्ट करते कि वुमेन आर वीक. नो, वी वन आर नॉट वीक. हम तो मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करती वी वन आर नॉट वीक. और अगर हम मेन की भी बात करें तो दे आर, तो ठीक है. हम ह्यूमन की बात करें, हु सो एवर इज फीलिंग दैट रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग एम्पावर्ड, दिस इज फॉर देम ऑल. ट्रू, रियली ट्रू मैम. और रही बात नारी शक्ति को कमजोर मानने की, इस बात पे तो मैं खुद एग्री नहीं करता, नारी क्योंकि शक्ति की पूजा कर रहे हैं आज हम. पूजा कर रहे हैं, प्लस उनकी वजह से ही हमारा वजूद होता है. चाहे कोई भी हो, वजूद उनकी वजह से होता है. सबसे पहली, प्रकृति के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो इस चीज पे तो एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, धरती विकास माता कहते हैं, जी प्रकृति माता कहते हैं, का. जननी माता कहते हैं. तो माताओं में तो बहुत शक्ति है. तो वेमन ऑलरेडी एम्पावर्ड, हम कैसे कहते हैं कि वेमन आर वीक? नो, नॉट एट ऑल, जस्ट टू True. आइडेंटिफाई. Really true. ये तो पुराने समय से जो प्रचलन चला आ रहा है उसकी वजह से लोगों का माइंडसेट है, बट जो न्यू जनरेशन है दैट्स रियली डिफरेंट. वो ऐसा सोच नहीं रखती, उनके लिए इक्वालिटी है हर चीज में, तो दैट्स अ आई टेल यू, डिफरेंस. ये एक बहुत बड़ी कहानी है कि विमेन शुरू से ही एम्पावर्ड रही, लेकिन बीच में समाज ने उनको सब मतलब उसको सप्रेस कर दिया. इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है. जब मैंने ओशो की लिटरेचर पढ़ी थी, देन आई गॉट टू नो. तो हम कभी और दिन बात करेंगे, लेकिन वो शुरू से ही विमेन एम्पावर्ड रही है. एग्रीड इस चीज. और मेरा वादा है अपने दर्शकों से, ये चीज के लिए मैम को नॉलेज है, तो हम भी कोई ढूंढ रहे थे जो उसके पास ये पता हो, तो इस चीज पे स्पेशली मैं मैम के साथ एक शो करूंगा और उसको भी हम लोग पब्लिश करेंगे जल्दी. और अभी के लिए जितनी भी मैम ने बात बोली है उसको अगर आप समझेंगे, तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको उसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग, एनालिसिस और कभी कभी पॉज लेना ही पड़ेगा. अगर आप पॉज नहीं लेते तो आप कहीं ना कहीं जाके, सॉरी टू से, गिर जाओगे. क्योंकि अगर गाड़ी भी कंटिन्यू चलेगी तो क्या होगा, वी ऑल नो. तो हम तो इंसान है. प्लीज मैम, यू वांट टू से समथिंग? नो, यू वर सेइंग गाड़ी डैश कर जाएगी, तो हम ऑब्स्टेकल बीच में क्यों लगाते, ब्रेकर क्यों लगाते कि गाड़ी अपने कंट्रोल में रहे, कोई दैट्स राइट. एक्सीडेंट या ट्रू. तो आप बीच बीच में ब्रेक चेक करते रहे. तो ये अगर कुछ चीजें आती है आपकी लाइफ में, तो जस्ट यू थिंक कि ये आपकी एसी टेस्ट टाइम है, आपकी परीक्षा की घड़ी है, और उस चीज से आप बिल्कुल थके नहीं, थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ी सी चीजों को समझे और बिल्कुल आगे बढ़े. और उसी शक्ति, उसी एनर्जी, उसी मनसा और उसी बिलीफ के साथ देखिए, आप यू विल हैव अ मिरेकल चेंज इन योर वेयर एवर यू वांट टू गो. रियली ट्रू मैम. मैम ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और प्लस हम लोग मैम का इंटरव्यू पहले भी कर चुके हैं. मैम की जर्नी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम के इंटरव्यू का लिंक भी मिल जाएगा, तो अगर आप मैम के सर्विसेज, मैम क्या करती हैं वो भी जानना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, या आपके ऊपर ऑप्शन आ रहा है आई बटन पे क्लिक करके भी आप मैम के इंटरव्यू को देख सकते हैं और मैम की जर्नी भी देख सकते हैं, क्योंकि मैम की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है.
और ये काफी इंस्पायरिंग रही है। और मेरा मानना है कि हर वुमेन की एक जर्नी है, हर इंसान की एक जर्नी है, और मेरा लक्ष्य यही है कि जितनी ज्यादा लोगों की जर्नीज मैं कवर करूं लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। बिकॉज आज के टाइम में हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है, बट उसकी बात सुनने के लिए कोई है नहीं। सो मैं उनकी बात को लोगों तक सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा मिशन है। कई लोग मुझे कहते हाँ भी हैं कि यार तुम बिना हाँ पैसे के टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी चीजें तुम्हारे पास सब कुछ है, वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी एनर्जी। मेरे को भगवान ने ये ताकत दी है कि मैंने ये सोचा और मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राई माई बेस्ट, और चाहे कोई भी आए मेरे सामने, वो अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा, और उसके लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले हैं। साथ ही मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। और आज नवरात्र के दिन मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वो लोग इस बात को समझें और उनकी जीवन में एक, ये तो नहीं कह सकता सिर्फ सुख आएगा, दुख और सुख बराबर आता है, बट हाँ स्ट्रेंथ रहे जिससे वो हर सिचुएशन में खुद को बनाए रख सके, हर सिचुएशन से डट के सामना कर सके। भगवान सबको स्ट्रेंथ दे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जय श्री राधे कृष्णा। And you are doing great job. Thank थैंक यू you. मैम।